फ्रेंड्स एस्पिरेंट, यहाँ पर बहुत सारे एस्पिरेंट को ये डाउट हो रहा है कि एयरफोर्स का जो नॉन कॉम्बैट वाला पोस्ट है उनमें से किस एड्रेस में वो भेजेंगे। कल मैंने जब ये वीडियो अपलोड किया था, डॉक्यूमेंट्स आपको कैसे 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 और फॉर्म भरना है डिटेल्स वीडियो मैंने बताया था। सुबह हमने सिलेबस आपको दे दिया और कुछ ही टाइम के बाद आपको बेस्ट बुक का भी वीडियो आ जाएगा, तो वो सारी चीज़ें देख लेना, सारे प्रोसेस वगैरह। देखिए, अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए आप न्यू दिल्ली के प्लेस का मतलब डाल रहे हो, न्यू दिल्ली के लिए डाल रहे हो, आप ऑल इंडिया में कहीं भी डाल सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। कहीं आपकी ये नहीं कि आप स्पेशली आपकी लोकेशन के लिए डाल रहे हो, आपको जहाँ भी कंफर्टेबल होता है वहीं फॉर्म डाल सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे फॉर्म भर दिया, आप इस एड्रेस में भेजना है, इसको बोलते हैं पोस्टल एड्रेस, जहाँ पर आप सिर्फ नॉर्मल पोस्ट करोगे और उसमें 10 रुपये का स्टाम्प और जो बाकी जो प्रोसेस मैंने कल बताया था क्या क्या रहेगा उस एनवलप के ऊपर, वो भी देख लेना, उस हिसाब से डालना, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे मैंने बोला है ऐसे ही डालना, यहाँ पर पोस्टल एड्रेस में भेज देना। यहाँ पर और एक कन्फ्यूज़न आपको डेट को लेके है, देखिए 2 अक्टूबर इसका लास्ट डेट है, 2 अक्टूबर लास्ट डेट, मतलब ये ऑफलाइन जाएगा और नॉर्मल पोस्ट में जाएगा, रजिस्टर पोस्ट में जाएगा। नॉर्मल पोस्ट में जाने के लिए एक लेटर को मिनिमम 7 से 8 दिन चाहिए, ठीक है। मैंने इसलिए बोला था कि आज की आज ये फॉर्म आप डाल देना, क्योंकि आज 18 हो गया, मिनिमम 8 दिन 9 दिन लग जाएंगे फॉर्म आपका न्यू दिल्ली तक पहुंचने के लिए या फिर किसी भी वहाँ जगह पहुंचने के लिए। स्पीड पोस्ट है ही नहीं कि 3-4 दिन में पहुँच जाएगा, इसीलिए 2 तारीख तक आपका पहुँच जाना चाहिए। ये नहीं सोचना कि लास्ट डेट 2 तारीख का है, मतलब 2 तारीख को मैं जाके पोस्ट ऑफिस में डाल दूंगा, तो वो कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए आज और कल ये दोनों दिन में आपने पुटअप कर देना, जैसे जैसे प्रोसेस में बताएं आप एप्लीकेशन डाल देना, इस एड्रेस पे भेज देना। अगर दिल्ली के लिए डाल रहे हो इस एड्रेस में, मान लीजिए मुझे पुणे के लिए डालना है, मेरे को पुणे अच्छा लग रहा है तो मैं पुणे के लिए डालूंगा, तो ये एड्रेस पे भेजूंगा, एयरफोर्स कमांडिंग अग्निवीर वायु नॉन कॉम्बेटेंट इनटेक नंबर 01205 एयरफोर्स स्टेशन लेवर्ड पुणे पिन 411032 इस पर डालूंगा। लेकिन आप बोलोगे कि भाई सर ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक और भी एड्रेस दिया है, ड्रॉप बॉक्स लोकेशन, ये क्या चीज़ होता है? देखिए, ड्रॉप बॉक्स लोकेशन ये भी होता है, आपको ऑप्शन दिया है कि आप जाके सीधा आपके जो फॉर्म भर के उसको बिल्कुल एनवलप में डाल के सीधा उनके हाथ में दे सकते हो। कहाँ पर दे सकते हो आप? सिर्फ से वही पुणे में देखेंगे, या तो मैं एक बंदा हूँ जहाँ पर मैंने ऑनलाइन जो ऑफलाइन डाल दिया पोस्ट ऑफिस में, ये पहुँच जाएगा, या फिर मान लीजिए आपकी डेट काफ़ी हो गया क्योंकि 2 तारीख को पहुँचना है, अगर आप 25, 26, 27 को डालोगे तब भी नहीं पहुँचेगा, लिए आप क्या करोगे, सीधा जाओगे, या अगर आपकी ये नज़दीक है, मान लीजिए आज आपकी नज़दीक है या फोर्स स्टेशन नज़दीक है पुणे में, आप यहीं आसपास रहे थे तो आप जाके डायरेक्ट दे सकते हैं। इसमें अगर डायरेक्ट दे तो वो बहुत अच्छी बात है, आपका उसी दिन फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपको एक सिक्योर भी हो जाएगा कि मेरे फॉर्म पहुंच गया है। तो कहां पर देना है? मेन गेट एयरफोर्स स्टेशन लेओगा अपोजिट कनाडा बैंक पुणे पिन 411032, यहाँ पर आप जाके वहाँ पर मेन गेट पे उनको दे सकते हो ये एप्लीकेशन, ठीक है। आप बात कर लेते हैं, 2-3 और एग्जांपल आपको दे देता हूँ ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आप पालम चलते हैं, ठीक है, ये पालम है, दिल्ली में रहे तो पालम के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो ये पोस्ट, आपको अगर पालम में सर्व करना है, जहाँ आप चाहते हो कि यहाँ मुझे जॉब करना है, वहीं पर आपको क्या करना है, इसको डालना है, ठीक है, वहीं पर आप फॉर्म डालना है जहाँ पर आपकी पसंद है, कहीं भी ऑल इंडिया डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना, ये जो एड्रेस है यहाँ, तो पालम का आप आज फॉर्म भर के इस एड्रेस पे भेजना है, अगर आप भेज रहे हो ऑफलाइन रजिस्टर पोस्ट के थ्रू, एयरफोर्स कमांडिंग 13 बेस रिपेयर डिपोट एयरफोर्स न्यू पिंटो पार्क नियर पालम फाटक दिल्ली का। मान लीजिए आप दिल्ली के आसपास रहते, पालम के आसपास रहते, आप बाई हैंड देना चाहते हो या फिर किसी के साथ भेजना चाहते हो, तो सीधा 13 BRD एंट्रेंस गेट नियर पालम फटक दिल्ली कैंट 110010 वहाँ पर जाना और वहीं पर ड्रॉप बॉक्स में दे देना, या फिर अगर उनकी मेन गेट है वहाँ पर वो एप्लीकेशन आपका ले लेंगे, वहीं पर दे के आ जाना। तो ये दोनों है, अगर आप जाना है बाई हैंड आपको देना है, आप फिजिकली जाके देना चाहते हो तो ये आपके लिए बेस्ट है, ठीक है, ये वाला कॉलम ड्रॉप बॉक्स वाला। अगर आप भेजना चाहते हो तो आज और कल परसों के अंदर 20 तारीख के अंदर अंदर भेज देना, तो ये सारे कॉलम आपके लिए है। आई होप इस डाउट क्लियर हो गया होगा। दूसरा, जो डेट वाले स्कैम में नहीं रहना, 2 अक्टूबर को उनके पास पहुंचना चाहिए, जितने भी 2 अक्टूबर तक पहुंच जाएगा, सॉरी 2 सितंबर, माय मिस्टेक, 2 सितंबर तक, 2 सितंबर तक जितने भी पहुंच जाएगा, अभी अगस्त 18 हो गया, 2 सितंबर तक जितने भी पहुंच जाएगा उनके लिए वो वैलिड है, 2 सितंबर लास्ट है। आज कल परसों भेजोगे तब जाके पहुंच जाएगा, अगर आप 26-27 को भेजोगे तो मुश्किल है 2 सितंबर को पहुंचना, आपकी फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, उसके बाद नहीं लिया जाएगा, यहाँ पर क्लियरली उन्होंने बताया है, आप इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप कोई भी, यहाँ पर देखो मैं आपको दिखाई देता हूँ, एप्लीकेशन रिसिप्ट आफ्टर ड्यू डेट विल बी नॉट एक्सेप्टेड,
ड्यू डेट के बाद अगर उनके पास पहुंचता है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपके फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, क्लियरली मेंशन किया हुआ है। ठीक है, ये फॉर्म मैंने डाल दिया है टेलीग्राम चैनल आर्मी सर ऑफिशियल में डाल दिया है, और डालने के बाद आप वहाँ इसे भर के प्रिंट आउट लेके यहाँ पर भर सकते हो। अगर आप चाहते हैं हमारे साथ तैयारी करने के लिए, काफ़ी स्टूडेंट के अभी मैसेज आया है सर हम चाहते हैं कि आप गाइड करें हमें इस पोस्ट के लिए, तो मेंटरशिप प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप टेलीग्राम में हमें मैसेज कर सकते हैं, या फिर इसमें कॉमेंट कर सकते हैं, हम आपको ऐड कर देंगे। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, जय हिंद।